दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए टू जेड सेविंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इस तरह का पर्स दिखाने वाली हूँ और उसे स्टिच करके सिखाने वाली हूँ। तो मेरा वीडियो पूरा देखिए एंड तक, और पसंद आए तो लाइक कर देना। देखिए, सबसे आगे इस तरह से पॉकेट तैयार किया है और एक बड़ा हमने पॉकेट तैयार किया है और अंदर की तरफ इंटर पॉकेट हमने दिया है। और इस तरह से ये बहुत ही यूजफुल पर्स बनकर तैयार होता है दोस्तों। तो आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो लगे रहिए मेरे वीडियो से और देखते रहिए इस तरह का पर्स बनाना। ये इस तरह का टसल भी बनाकर मैं लगाने वाली हूँ, आपको सिखाने वाली हूँ दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, पहले हमें ये बेल्ट तैयार किया है जिसकी जो लंबाई है 55 इंच है और इसे मैंने रबर सीट डाल के तैयार किया है। ये दो मैंने जिपर लिया है और एक रनर लिया है और एडजस्टर और 2D। इस तरह से हमने ये एक पैंट फैब्रिक लिया है, जो जेंट्स पैंट है उसका फैब्रिक लिया। उसकी मैं लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, 13 इंच है इसकी लंबाई और चौड़ाई 10 इंच, 13x10 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई। इस तरह से दो पीस हमें ले लेने हैं फैब्रिक के और इसी अकॉर्डिंग दो पीस हमें ये पेस्टिंग पेपर ले लेना है और इसी अकॉर्डिंग हमें दो पीस लाइनिंग पीस ले लेने हैं। कोई भी लाइनिंग ले सकते हैं और इसी अकॉर्डिंग हमें 2 रबर सीट ले लेनी है। इस तरह से 13x10 का रबर सीट इस तरह से हमें ये ले लेना है। और हमें इसके साथ ही दो पॉकेटों के लिए लाइनिंग ले लेना है, वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगी। और सबसे पहले देखिए, ये जो मेन फैब्रिक है इसे हम लेंगे और इसे देखिए यहाँ से 3.5 इंच हम इसे डाउन करेंगे, एक मार्क लगाएंगे इसके ऊपर। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरह से और इसे सीधा करेंगे दोनों मार्क्स को। और अब हम इस तरफ भी, जिस तरफ हमने 2.5 इंच लगाया था उसी साइड पे, और इधर हमने जो 3.5 इंच लगाया था उसी तरह से दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। दोनों तरफ हमें ऐसा करना है। को हम मिलाते हुए हम इसे कट कर देंगे दोनों पीसेस पे, ऐसे करना है हमको। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ दोनों पीसेस। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से ये पीसेस ले लेना है और इसको 3 या 2.5 इंच पे नीचे की तरफ इस तरह से हमें डाउन करना है और मार्क लगा के हमें उसे कट करना है। तो इस तरह से देखिए, मैं इसे कर लेती हूँ, मार्क लगा के कटिंग करूँगी। मैंने इसे इस तरह से कटिंग कर दिए हैं। अब हम पॉकेट के लिए लाइनिंग लेंगे और जिपर लेंगे। ये छोटा पॉकेट और ये बड़ा पॉकेट, इन दोनों को हमें ले लेना है। बड़ा पॉकेट हमारी जो लंबाई चौड़ाई है 12x9 इंच है और इस तरह से हमें इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। तो देखिए, मैं जिपर लूँगी और जिपर के साथ इसको अटैच करते हुए सेट कर लूँगी। इस तरह से हमें सेंटर बिंदु ले लेना है, लाइनिंग का सेंटर बिंदु लेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसका भी हम सेंटर बिंदु लेंगे, जिपर का भी सेंटर बिंदु लेके हम इसे इस तरह से तैयार कर लेंगे, फिर जिपर को सेट करेंगे। इस तरह से हमें इस जिप को इस तरह से सेट कर लेना है और उसके ऊपर जो हमने सेंटर बिंदु लिया, इस लाइनिंग को सेंटर बिंदु मिलाते हुए सेट करेंगे और इसे इस तरह से यहाँ से हम स्टिच कर देंगे। अब हम देखिए इस तरह से लाइनिंग को करेंगे और इधर यहाँ पे हम दाब सिलाई ले लेंगे ताकि हमारा ये जिपर बैठ जाएगा इस तरह से। अब हम देखिए ये जिपर को लाइनिंग के पास, जहाँ जिपर लगाई है इस तरह से हम इसे सेट करेंगे और लाइनिंग लेंगे और मेन फैब्रिक लेंगे, उसको इस तरह से हमें सेट करते हुए सेंटर बिंदु मिला लेना है।
इस तरीके से मिलाते हुए सेंटर बिंदु से हम इसे स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हम दाब सिलाई ले लेंगे इस तरह से। हम इन दोनों जीपर को इस तरह से मिला लेंगे सीधी साइड और जीपर को हम लॉक करेंगे इस तरह से। तो हमारा ये पॉकेट बनके तैयार हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और जीपर को हम कट करके साइड में कर देंगे। अब हम टू मेन फैब्रिक ले लेंगे, ये इनको इस तरह से इसके ऊपर हम पॉकेट के साथ इसको लॉक कर देंगे, स्टिच करेंगे दोनों तरफ। हमें इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है, तो मैं करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से देखिए, मैंने इसको इस तरह से अटैच कर लिया है। अब इस पे इस तरह से दाब सिलाई ले लेनी है ताकि हमारा ये अच्छे से सेट हो जाए। तो दोनों पॉकेटों को, दोनों जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक, उनको इस तरह से तैयार करना है। तो दूसरा भी मैं कर लेती हूँ। ये देखिए पॉकेट हमारा बन चुका है। इस तरह से दोस्तों मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर इस तरह से दाब सिलाई ले लेनी है ताकि हमारा ये अच्छे से सेट हो जाए। दोनों फैब्रिकों को इस तरह से हमने सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर देखिए, हम पेस्टिंग पेपर इस पे चिपकाएंगे इस तरह से। इन दोनों पेस्टिंग पेपर को प्रेस की सहायता से चिपकाना है। तो देखिए मैं इसे चिपका देती हूँ। हमने इन दोनों मेन फैब्रिक को तैयार कर लिया है पेस्टी पेपर चिपका के। अब यहाँ से हम 1-1 इंच एक बॉक्स तैयार करेंगे और उसे कट करेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से 1-1 इंच बॉक्स तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैंने इन दोनों मेन फैब्रिक पे 1-1 इंच का बॉक्स तैयार कर लिया है और अब हम इसे साइड में करेंगे और हम एक लाइनिंग पीस लेंगे इस तरह का 13x10 का, और इसके ऊपर इस तरह से हम इस छोटे पॉकेट को और जिपर को अटैच करके एक पॉकेट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं जिपर को उसके अंदर सेट कर लेती हूँ। हमें यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग पे सेंटर बिंदु ले लेना है और जिपर का भी सेंटर बिंदु लेना है, पॉकेट का भी, और तीनों को इस तरह से हमें 2 इंच डाउन करते हुए एक मार्क लगाना है इस तरह से। और जितना हमारा जो जिपर है उस जिपर के अकॉर्डिंग हमें मार्क लगाना है और फिर हाफ इंच कम करते हुए एक बॉक्स तैयार करना है इस तरह से। तो हमने बॉक्स के बीच में जो लाइन ड्रॉ की है उसे हम इस तरह से कट करेंगे और साइड में कोने बना देंगे, और कोने हमें जिपर से 1/2 इंच कम कर देना है इस तरह से। फिर हम इसके नीचे जिपर रखते हुए जिपर को हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो हमारा मार्क्स जो लगा हुआ है, जो सेंटर बिंदु है, सेंटर बिंदु जीपर पे रखते हुए हमें इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है। सेंटर बिंदु से पूरा हमें स्टिच करके लॉक करना है जीपर को। फ्रेंड्स अब हम देखिए हमारा ये जीपर सेट हो गया। अब उल्टी तरफ इस तरह से हम इस पॉकेट को इस तरह से सेट कर लेंगे
और इसे लॉक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से सेट कर लिया जीपर। अब हम इस मेन फैब्रिक पे इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। इस तरह से हम इसे लॉक करते हुए जो हमारे बॉक्स बने हुए हैं उन बॉक्स को हम इसके अकॉर्डिंग जो लाइनिंग है उसके भी हम बॉक्स तैयार करेंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ये रबड़ सीट है उसको हम इस तरह से हमें इसके ऊपर अटैच कर लेना है और स्टिच करेंगे। तो देखिए मैं इसे रबड़ सीट को स्टिच कर लेती हूँ इसके साथ, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके साथ रबड़ सीट को अटैच करना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने इन रबड़ सीट को मेन फैब्रिक पे अटैच कर लिया है, दोनों को हमने तैयार कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स जिपर लेंगे और जिपर को एक फैब्रिक से जो इस तरह से हमें इसे लॉक करके तैयार कर लेना है। दोनों साइड से जिपर को इस तरह से लॉक करके तैयार करेंगे। फैब्रिक के साथ इस तरह से जिपर को लॉक कर दिया है। लाइनिंग पीस लेंगे और इसका सेंटर बिंदु ले लेंगे। सेंटर बिंदु लेते हुए रबड़ सीट जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके साथ हमें सेंटर बिंदु लेते हुए जीपर को अटैच करना है। अब फ्रेंड्स, ये लाइनिंग है और मेन फैब्रिक पे हमें जीपर को इस तरह से रखना है सेंटर बिंदु मिलाते हुए, और जीपर को हमें उल्टा रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग पीस को इस तरह से सेंटर बिंदु लेते हुए उल्टा रखना है। जीपर को भी उल्टा रखना है और सीधी साइड हमें हमारा मेन फैब्रिक रखना है। तो इस तरह से हमें इसे सेट करते हुए स्टिच कर लेना है। अब हमें सीधा करते हुए इस तरह से दाब सिलाई ले लेनी है। दाब सिलाई लेंगे यहाँ पे हम। अब हमने इस पे दाब सिलाई ले ली है। अब हम सेंटर बिंदु इस तरह से सेंटर बिंदु से मिलाते हुए हम इस लाइनिंग पीस को लेंगे और इस मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए लाइनिंग पीस को हम इस तरह से इसके बीच में सेट करेंगे और सेंटर बिंदु से हमें इसे इस तरह से सेट करते हुए इसे स्टिच कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पे दाब सिलाई लगा के इस तरह से इसे सेट कर लिया है। अब हम लाइनिंग को एक तरफ करेंगे, मेन फैब्रिक को एक तरफ करेंगे और इसे इस तरह से लॉक करेंगे और ये जो हमारी बॉटम है इसकी साइड से हम इसे स्टिच करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इससे पहले हम डी लेंगे और डी को स्लिप में इस तरह से सेट करते हुए हम इसे जो हमारी साइड है वे 1 या 1.5 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए हम उसे सेट करेंगे अंदर की तरफ।
अब हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे, इसको लॉक करेंगे और साइड से भी हम इसे स्टिच करके लॉक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से हमने चारों तरफ से इसे लॉक कर दिया है लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। अब हम इस तरह से कोने बना लेंगे इसके। अब हम इसे इस तरह से स्टिच करके लॉक कर देंगे और हमें ये लाइनिंग पे भी इसी तरह से हमें सेट करना है स्टिच करके। इस तरह से लाइनिंग पीस को हमने थोड़ा सा खुला छोड़ा था और उसको इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए हमें जो हमारी सीधी साइड है उसे बाहर की तरफ इस तरह से ला देना है और हम इसे सीधा करेंगे पलट कर इस तरह से। अब देखिए मैंने इसे पलट कर सीधा कर लिया है और जो हमारी अंदर की लाइनिंग है जो हमारी इस तरह से हमने थोड़ा जो रखा था उसे हम इस तरह से लॉक कर देंगे, स्टिच करेंगे और सेट करते हुए लॉक कर देंगे। फिर हम लाइनिंग को अंदर की तरफ सेट करेंगे। हमने इस पर्स को सीधा कर लिया है सीधी साइड। अब हम इस तरह से बेल्ट तैयार करेंगे, एडजस्टर लगा के इस तरह से बेल्ट को हम स्टिच कर लेंगे इसके साथ और फिर हमारा ये पर्स बनके रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हम इस तरह से ये लेदर पीस लेंगे और इसके ऊपर 1 इंच का हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो लाइन है हमारा वहाँ तक हम उसे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं ये टैसल बना के तैयार करके आपको दिखा देती हूँ। इसे गोलाई देते हुए हमें फेविकोल है उसे हम चिपका देंगे और टसल तैयार करके मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों हमारा इस तरह से पर्स बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा ये जो हमने पर्स तैयार कर लिया है, अब आप इस वीडियो को लाइक करना और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।